हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एंटी एजुकेशन प्रिपरेशन एजुके इंक्लूसिव एजुकेशन से अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन की नेक्स्ट पॉलिसी दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी है और एक बड़ी पॉलिसी है इसमें फिफ्टी आर्टिकल्स हैं और लेकिन और हम हर एक आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे यू एन सी आर पी डी इस पॉलिसी का नाम है ठीक है जी आ, हम इस यू एन सी आर पी डी को दो लेक्चर्स में पढ़ेंगे आज पार्ट वन में हम लोग बात करेंगे इसके ट्वेंटी फाइव आर्टिकल्स की तो चलिए एक जनरल सी एक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं सबसे पहले यू एन सी आर पी डी की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिस एबिलिटीज ये एक इंटरनेशनल ट्रिटी है विच एम्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ़ द पर्सन विद डिसबिलिटीज़ यानी कि जो पर्सन डिस से कहीं ना कहीं से जूझ रहे हैं उनकी राइट्स और उनकी को प्रोटेक्ट करना देन uh, कुछ एक मेन डेट्स हैं ये आपको एज इट इज ही याद करनी है मैं पढ़ देती हूँ द कन्वेंशन वॉज अडेप्टेड बाई यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली थर्टीन दिसंबर टू थाउजेंड से it opened for signature on 30th march 2007. it came into forces on 3rd may 2008 or first conference uh, of state parties on uncrpd was held on 31st october to 3rd november 2008 and first session of committee on rights of persons with disabilities was held on 23rd to 27th feb 2008.

ऐसे पर्सन के लिए प्रमोट करना उनकी उनको उनकी उनकी टू प्रमोट प्रोटेक्ट एंड एंश्योर द फुल एंड इक्वल एंजॉयमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि क्या ऐसे पर्सन भी अपनी लाइफ को उसी तरीके से सेफली जिस तरीके से एक नॉर्मल पर्सन को जीने का अधिकार है कि ऐसे पर्सन भी जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं और ऐसे पर्सन को भी फुल फंडामेंटल फ्रीडम होनी चाहिए जो कि एक नॉर्मल पर्सन को फ्रीडम मिलती है जीने के लिए और ऐसे पर्सन की डिग्निटी को इनकी रिस्पेक्ट को प्रमोट करना ये था यू के मेन एम्स इसके अंतर्गत हम लोग फिफ्टी आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में हम लोग ट्वेंटी फाइव आर्टिकल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी आर्टिकल लेंगे आर्टिकल वन की बात करें तो आर्टिकल वन में आता है कि क्या उद्देश्य है इस पॉलिसी का यही बात सेम कि यहाँ पर इन्होंने ये बात कही है कि जो जिस जिस तरह के राइट्स और जिस तरह की फ्रीडम नॉर्मल पर्सनस को मिलती है जीने के लिए क्या उसी तरीके की फ्रीडम और राइट्स डिसबल पर्सन को स्पेशल पर्सनस को मिल रही है या नहीं मिल रही है क्या उन्हें भी डिग्निटी के साथ जीने दिया जा रहा है सोसाइटी में या नहीं दिया जा रहा है और उन्हें भी जीने का पूरा अधिकार है उनके लिए भी फुल राइट्स होने चाहिए ताकि वो भी अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर सके अपनी लाइफ को एक प्रोटेक्टेड फील कर सकें देन आर्टिकल टू में यहाँ पर डेफिनेशन यानी कि क्या क्या चीज़ें डिफ़ाइन की गई है सबसे पहले तो कम्युनिकेशन वर्ड यूज़ किया गया है यानी कि ऑल पर्सनस कैन कम्युनिकेट हर एक बंदा कम्युनिकेट कम्युनिकेट करेगा इस सोसाइटी में चाहे वो किसी भी तरीके से किसी भी रिसोर्स का यूज़ करे ठीक है इसके लिए इन्होंने साइन लैंग्वेजेस साइन स्पोकन लैंग्वेजेस टेक्स्ट ब्रेल टच लार्ज प्रिंट रिटर्न ऑडियो प्लेन लैंग्वेजेस इन सब चीज़ों का जो प्रावधान है वो रखा देन आता है लैंग्वेज ऑल काइंड ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन साइंड एंड अदर टाइप्स ऑफ लैंग्वेज यानी कि हर एक लैंग्वेज बोली जाएगी ताकि हर एक पर्सन तक इस सोसाइटी में क्या हो रहा है वो बात पहुंचे देन इन्होंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर इन्होंने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन होता है इस सोसाइटी में डिसबिलिटीज के बेसिस पर तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इसीलिए यहाँ पर इन्होंने नेक्स्ट वर्ड यूज़ किया रीजनेबल एकोमोडेशन यानी कि अ पर्सन मे नीड टू हैव चेंज मेड अगर आपको कहीं पर Yeah. किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को एज पर अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ जो भी जो भी आपके सामने बनता है उसके सामने उसके साथ अगर आपको चेंज होने की ज़रूरत है तो आपको चेंज होना पड़ेगा क्योंकि अगर सामने वाला पर्सन कहीं ना कहीं से डिप्राइव है फिजिकली या मेंटली तो एज पर अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स आपको क्या होना पड़ेगा आप उस तरीके से आपको उसके सामने अपनी बात रखनी पड़ेगी ताकि वो बंदा भी उसे क्योंकि उसे पूरा अधिकार है उस इंफॉर्मेशन को जानने का जो कि एक नॉर्मल बंदे को अधिकार है सोसाइटी में चीजों को जानने का क्लियर इसीलिए इन्होंने कहा कि रीजनेबल एकोमोडेशन होनी चाहिए एज पर अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन देने उन्होंने ये कहा कि कोई भी चीज़ कोई भी प्रोग्राम या कोई भी प्लेस जो होगा उसका डिज़ाइन कैसा होगा यूनिवर्सल डिज़ाइन होगा ताकि हर एक पर्सन इस दुनिया में इस उस पर्टिकुलर चीज का जो फायदा है वो उठा सके दैन इन्होंने आर्टिकल थर्ड में बातें कही हैं कि कौन कौन से जनरल प्रिंसिपल्स हम लोग लेंगे रिगार्डिंग टू द स्पेशल पर्सन क्या कौन कौन से होंगे यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा स्पेशल पर्सन की डिग्निटी का उन्हें चूज़ करने का पूरा अधिकार है उन्हें इंडिपेंडेंसी का पूरा अधिकार है उनके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा वो पार्टिसिपेट फुल पार्टिसिपेट करेंगे फुल इंक्लूजन होगा वो जब चाहे जिस तरीके से चाहे वो किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस उनके साथ कोई भी किसी भी किसी प्रकार का डिफरेंसेस नहीं होंगे उनके अगर sorry, uh, अगर सॉरी रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस यानी कि वो वो ये देखना है भाई अलग नहीं है सोसाइटी से हाँ उनका कोई भी एक पर्टिकुलर अंग या ऑर्गन वो काम नहीं कर रहा है बट वो है उनका भी एक वजूद है तो हमें उनके जो वजूद की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और रिस्पेक्ट करनी भी चाहिए ठीक है और ये आर्टिकल थर्ड में तो कह ही दिया है देन एक्सेप्टेंस ऑफ डिसेबिलिटी एज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ क्लियर देन उनकी equality, उनकी उनके साथ इक्वलिटी वाला बिहेव होना चाहिए उनके साथ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर होना चाहिए देन आर्टिकल फोर में आता है जनरल ऑब्लीगेशन जनरल ऑब्लीगेशन मीन ह्यूमन राइट्स अप्लॉय टू ऑल पीपल विद विदाउट डिस्क्रिमिनेशन जितने भी जितने भी मानव अधिकार हैं उसका यूज़ हर एक पर्सन इस सोसाइटी में करेगा हाँ इसके अलावा नए नए लॉज भी आएंगे रूल्स भी आएंगे और इस तरीके के लॉज और रूल्स बनेंगे जिस जिसके तहत डिसेबल पर्सन को सोसाइटी में एक रिस्पेक्टफुल जो जीवन जीने का जो अधिकार है वो मिले और इसके अलावा नई नई टेक्नोलॉजीज को प्रमोट किया जाएगा अच्छी ट्रेनिंग को भी प्रमोट किया जाएगा देन आर्टिकल फिफ्थ की बात करें तो यू के अंतर्गत आर्टिकल फिफ्थ ये कहता है कि इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन यानी कि एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लो हर एक बंदा जो है वो लो की नज़रों में बिल्कुल इक्वल है और उनके उनके साथ जो लो है उन्हें भी उसी तरीके से प्रोटेक्ट करेगा जिस तरीके से उसका जो यूज़ है वो नॉर्मल पर्सन जो हैं वो करते हैं देन आता है उनके लिए कुछ स्पेशल एक्शंस भी लिए जाए देन आर्टिकल सिक्स की बात करें आर्टिकल सिक्स और आर्टिकल सेवन देखिए आर्टिकल सिक्स और आर्टिकल सेवन आर्टिकल सिक्स में बात की गई है वुमेन विद डिस एबिलिटीज़ की और आर्टिकल सेवन में बात की गई है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की आर्टिकल सेवन में ये कहा गया है कि जो वुमेन विद डिसेबिलिटीज है उन्हें भी पूरा पूरा अधिकार है अपनी लाइफ को जीने का एंजॉय करने का और उनके लिए पूरे एक्शन लिए जाए ताकि और एक्शन इस तरीके के होने चाहिए कि वो सपोर्ट कर सके उनकी ग्रोथ को उनकी एम्पावरमेंट को उनके राइट्स को एंड सेम यही बात आर्टिकल सेवन में चिल्ड्रन के रिगार्डिंग जो है वो कही गई है देन बात आती है बच्चों आर्टिकल एट की आर्टिकल एट में अवेयर अवेयरनेस रेजिंग ये बहुत ज़रूरी है जब तक सोसाइटी का हर एक पर्सन अवेयर नहीं होगा स्पेशल पर्सन की नीड के रिगार्डिंग तब तक वो जो अपनी लाइफ में एनहेंस नहीं कर पाएंगे अपनी कैपेबिलिटीज़ को तो इसके लिए सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि फैमिलीज़ की हेल्प की जाए कि किस तरीके से इन बच्चों के साथ डील करना है देन देन इन्होंने बात की गई है देन यहाँ पर इन्होंने ये बात कही है कि फ़ाइट अगेंस्ट स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुटाइसिस अबाउट पीपल विद डिसबिलिटीज यानी कि जो लोग भ्रमित रहते हैं भी ऐसे बच्चे इस तरीके के होते हैं इस तरीके इनके दिमाग से ये सारे प्रेजुडाइसिस को निकालना और निकालेंगे और इन तभी तो हेल्प मिलेगी ना कि ये बच्चे अपनी कैपेबिलिटीज को एनहेंस कर पाएंगे देन आर्टिकल नाइन में आता है असेसिबिलिटी असेसिबिलिटी में मतलब कि रूल तो बना दिए लेकिन ये भी देखना कि वो जो रूल है वो प्रैक्टिसज में आए हैं या नहीं आए हैं जो भी बिल्डिंग्स बनी है रोड्स बनी हैं ट्रांसपोर्टेशन इनडोर आउटडोर ऑब्जेक्ट्स हाउसिंग हॉस्पिटल्स स्कूल्स हेल्थ वर्क वर्क प्लेसेस ये सारे इन पर्सनस की स्पेशल पर्सनस की नीड्स को ध्यान में रखते हुए ही बनाए जाने चाहिए ताकि इन सारी चीज़ों का जो यूज़ है वो नॉर्मल पर्सन के साथ साथ स्पेशल पर्सन भी कर सकें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो इस तरीके की होनी चाहिए कि स्पेशल पर्सन उनका यूज़ कर सकें प्राइवेट बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके के होने चाहिए कि वो भी डिसेबल परसेंस की रेंज तक पहुँच सकें देन आर्टिकल टेन में बात की गई है राइट टू लाइफ की ऐसे पर्सनस को भी जिंदगी जीने का पूरा पूरा अधिकार होता है आर्टिकल इलेवन में ये कहा गया है ऑफ द रिस्क एंड ह्यूमैनिटीज यानी कि अगर कोई भी देश में या कहीं भी किसी पर कहीं भी जगह पर अगर वो की नेचुरल डिजास्टर्स की एमरजेंसीज की सिचुएशंस आ गई हैं तो ऐसे लोगों के साथ जो ह्यूमैनिटी वाला बिहेवियर जो है वो किया जाए और इन लोगों को ध्यान में जरूर रखा चाहे जाए उन दिनों में बात करेंगे आर्टिकल ट्वेल्व की आर्टिकल ट्वेल्व में और आर्टिकल थर्टीन मिलते जुलते हैं दोनों लॉ से रिलेटेड हैं आर्टिकल ट्वेल्व में इन्होंने ये कहा है कि इक्वल ऑर्गेनाइजेशन एज अ पर्सन बिफोर लॉ एंड आर्टिकल थर्ड असेस टू जस्टिस यानी कि कोई भी अगर लॉ बना है सबसे पहले या किसी भी पर्सन के साथ जैसे कोई भी डिसेबल पर्सन है उसके उसको उसके साथ खुदा न खास्ता अगर कुछ भी गलत हुआ है तो उसे भी पूरा पूरा अधिकार है नॉर्मल पर्सन की तरह अपनी बात को रखने का कोर्ट में करके और इसके अलावा उन्हें पूरा पूरा अधिकार है कि उनके साथ भी पूरा पूरा जस्टिस जो है वो हो क्लियर अगर सपोज कर लीजिए कि कोई भी पर्सन जो कि कहीं ना कहीं से डिसेबल्ड है अगर उसने कोई भी ऐसी चीज़ सोसाइटी में गलत होते होते हुए देखी है तो वो एज अ विटनेस अपनी बात को लॉ में रख सकता है कोर्ट में अपनी बात को रख सकता है एज इक्विवेलेंट टू नॉर्मल पर्सनस देन आर्टिकल फोर्टीन की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल फोर्टीन में इन्होंने ये कहा है कि लाइब्रेरी एंड सिक्योरिटी यानी कि अगर कोई भी Uh, किसी भी स्कूल में किसी भी कॉलेज में किसी भी जगह पर जो भी लाइब्रेरी बनी है वो भी वो इन पर्सन स्पेशल पर्सनस की नीड्स को ध्यान में रखते हुए भी बननी उन स्पेशल पर्सनस की जो नीड्स हैं उनकी भी नीड्स को ध्यान में रखना है लाइब्रेरीज को बनाते समय वहाँ पर उनके लिए भी कुछ ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए कि वो पर्सनस इन लाइब्रेरी का जो यूज़ है वो कर सके और इसके साथ साथ वहाँ पर फुल सिक्योरिटी होनी चाहिए उनके लिए आर्टिकल फिफ्टीन की बात करें तो स्टूडेंट्स फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर और क्रूअल ह्यूमन एंड पनिशमेंट आर्टिकल भी इससे मिलता जुलता आर्टिकल फिफ्टीन में ये कहा गया है कि ऐसे पर्सन के साथ बिल्कुल भी टॉर्चर वाला बिहेवियर नहीं होना चाहिए क्रूरता वाला बिहेवियर नहीं होना चाहिए इन ऐसे को पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए देखिए इनको जीने का पूरा पूरा अधिकार है आर्टिकल 16 की बात करें स्टूडेंट्स तो फ्रीडम मैंने कहा था आर्टिकल 15 से मिलता जुलता ही है कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ को बिल्कुल फ्री कोई भी इनके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए इनके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का वायलेंस या एब्यूज़ नहीं उनका ली नहीं होना चाहिए आर्टिकल सेवनटीन प्रोटेक्टिंग इंटीग्रिटी सेम आर्टिकल फिफ्टीन सिक्सटीन और सेवनटीन लगभग मिलते जुलते हैं इनकी इंटीग्रिटी की जो प्रोटेक्ट करना ये भी सोसाइटी का ही एक एक, एक मतलब एक लक्ष्य होना चाहिए आर्टिकल एटीन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड नेशनलिटी देखिए अब ये जो आर्टिकल आएंगे आर्टिकल 17, 18 और 19 ये भी मिलते जुलते हैं ट्वेंटी तक ही मिलते जुलते हैं आर्टिकल 17 में कहा गया सॉरी आर्टिकल 18 में ये कहा गया है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड नेशनलिटी उन्हें कहीं पर भी जाकर के नेशनलिटी लेने का अधिकार है उन्हें उन्हें भी कहीं पर भी जाके उन्हें भी कहीं पर भी मूव करने का अधिकार है आर्टिकल नाइनटीन में ही मैंने यहाँ लिखा है आर्टिकल नाइनटीन में उन्होंने ये कहा है लिविंग इंडिपेंडेंटली एंड बींग इंक्लूडेड इन कंट्री यानी कि उन्हें इंडिपेंडेंटली सोसाइटी में कंट्री में कहीं भी रहने का फुल फ्रीडम है आर्टिकल ट्वेंटी में ये कहा गया है पर्सनल मोबिलिटी वो अपनी इच्छा से कहीं भी मूव कर सकते हैं आर्टिकल ट्वेंटी अब देखिए एटीन नाइनटीन और ट्वेंटी मिलते जुलते थे आर्टिकल ट्वेंटी में क्या कहा गया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन एंड असेस टू द इफॉर्मेशन यानी कि ऐसे को अपने आप को एक्सप्रेस करने का पूरा अधिकार है अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का पूरा अधिकार है और ये भी पूरा अधिकार है सोसाइटी में क्या इन्फॉर्मेशन आई है उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचने का भी उन्हें पूरा अधिकार है क्लियर जी चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 22 में रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी इनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए आर्टिकल 22 23 मिलता जुलता है इनके भी घर और इनकी फैमिली की पूरी पूरी रिस्पेक्ट जो है वो होनी चाहिए आर्टिकल ट्वेंटी में ये कहा गया है कि उनकी एजुकेशन किस तरीके की होनी चाहिए ऑफकोर्स उनकी एजुकेशन इस तरीके की होनी चाहिए जो उन्हें सोसाइटी में एक डिग्निटी दिला सके उनके टैलेंट को निखार सके और उनकी फुल इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए क्लास में और इसके अलावा क्लास में टीचिंग साइन लैंग्वेजेस का यूज जो है वो होना चाहिए एज पर अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्पेशल पर्सन देन आर्टिकल ट्वेंटी एट में हेल्थ की बात की गई है देखिए अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज होनी चाहिए इसके साथ साथ जो क्वालिटी बेस्ड हेल्थ सर्विसेज उनके लिए प्रोवाइड की जानी चाहिए तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे वन टू ट्वेंटी फाइव आर्टिकल्स रिगार्डिंग यू एन सी आर पी डी देन कल हम लोग बात करेंगे आर्टिकल की थैंक यू सो मच काइज फॉर लिसनिंग मी